नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय पर जीत पर। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका जेई 2023 का पेपर पास आ रहा है, लेकिन अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली है कि हमें जेई की तैयारी करनी चाहिए। या तो वो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं या फिर वो मेहनत से भाग रहे हैं। अगर आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं या फिर मेहनत करना पसंद नहीं है, अपनी प्रॉब्लम जो कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती है आपको, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे को ये सिर्फ वीडियो उनके लिए है जो मेहनत करना पसंद करते हैं और मेहनत करने का कारण जानना चाहते हैं। अगर आप जेई 2023 की तैयारी कर रहे हो लेकिन जेई की डेट पास आती जा रही है, अभी तक आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं समझ आ रही ना कि भाई जेई की तैयारी मुझे करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, करूं तो मैं क्यों करूं, या फिर अपना कुछ और कामों में लगे हुए हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगा हुआ है, या फिर कोई और अपनी प्रॉब्लम दिख रही है कि घर पे सर मेरे को वहां जाना पड़ जाता है ना जाना पड़ जाता है, इस कारण नहीं पढ़ाई कर पाता या इस कारण नहीं पढ़ाई कर पाता। एक सेकेंड आपको एक चीज दिखाता हूँ, पहले आप पहले इस चीज को नोटिस करें। ये देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। तेलंगाना जेई टॉपर स्टूडेंट ऑल एग्जाम इन व्हेन डे हिज मदर डाइड, मतलब जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई है ना, वो बंदा पेपर देने गया है उस दिन और अच्छा खासा स्कोर कर रहा है। यू कैन सी स्कोर, देखो ना आप कितना बंदा देखो स्कोर कर रहा है, 96% स्कोर कर रहा है। कितना स्ट्रेस होगा इसके दिमाग में, आप जान सकते हैं कि घर में उसकी मदर बीमार है और वो मर चुकी है उस दिन, स्टिल वो एग्जाम देने गया क्योंकि उसकी मदर ने उसको सपोर्ट करा, एक सपना लिया था उसके लिए, जैसा कि तुम्हारे माँ बाप ने भी एक सपना लिया होगा तुम्हारे लिए, कि इसलिए तुम्हें बड़ी बड़ी कोचिंगों में भेज रहे होंगे, बड़े बड़े टीचरों के साथ तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपको प्रियोरिटी वो थोड़ी दिख रहा है, आपको प्रियोरिटी दिख रही है कुछ और। वो हमें भी नहीं पता, वो तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं पता, कहाँ से लेके आ रहे हैं वो पैसा, कहाँ से इतनी मेहनत करके आपको दे रहे हैं कि बेटा जैसे जैसे करके तू कर 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 कर, बट आपको नहीं समझ आ रहा। आपको और दिखाता हूं मैं, इसके साथ साथ आप इसमें एक और चीज देखिए, बंदे की स्ट्रगल स्टोरी देखिए, बंदे की स्ट्रगल स्टोरी देखिए, ये देखिए स्ट्रगल ऑफ द फैमिली, देखिए क्या कह रहा है ये बंदा। ये बोल रहा है कि भाई साहब इसके पास ना कुछ था भी नहीं, गूगल पे बेटा पूरा का पूरा रिलाई कर रहा था, ही रिलाइड ऑन गूगल एंड मदर डाइड और ही पास्ड अवे बिफोर हिज एग्जामिनेशन, मतलब पूरा गूगल पे कोचिंग तक के पैसे नहीं थे, बंदे पे कोचिंग तक के पैसे नहीं थे, सिर्फ गूगल के ऊपर बिलीव था, गूगल से जैसे जैसे यूट्यूब से कहीं से वीडियो कर करके बंदे ने पेपर देके आया। इसे कहते हैं डेडिकेशन। ऐसे वाले बच्चों के लिए ही, ऐसे वाले बच्चों के लिए ही जेई के बड़े बड़े कॉलेज इंतजार कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए नहीं। सर मेरे को वहां जाना पड़ गया, मेरे घर लाइट नहीं थी, मेरे घर ये था, इसलिए मैंने काम नहीं करा, इसलिए मैंने काम नहीं करा। अरे भाई अगर तुमने पैसे ही वेस्ट करना है तो उठा के कुएं में फेंक दो पैसे, क्यों माँ बाप को भी अपनी झूठी उम्मीदें दे रहे हो। वो बेचारे उम्मीद से भेजते हैं कि मेरा बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, अपने दोस्तों को बता देते हैं मैंने अपने बच्चे को आईआईटी की कोचिंग करा रखी है ना, मदर्स भी अपनी फ्रेंड्स को बता देती है कि भाई हमने तैयारी करा रखी है, सबको उम्मीदें हो जाती है और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं एंजॉय कि भाई पढ़ाई तो करना नहीं है, जेई से बड़ी प्रायोरिटी आपको दिख रही है। और दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए आपको मैं और चीजें इसमें दिखाता हूँ, हटाइए अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये चीज देखिए, ये पर्चन तमिलनाडु का, नोटिस करिए इस बात को, देखिए आप क्या है ये, तमिलनाडु का लेबर के बेटे ने बेटा सब कुछ करते हुए एंटर करा आईआईटी में, ठीक है। और भी आपको मैं इसमें चीज दिखाता हूँ, इसकी खास बात, 17 साल का बंदा है और कितनी रैंक लेके आ रहा है, यहाँ पर आप नोटिस करिए कितनी रैंक लेके आ रहा है ओबीसी के अंदर, ये रैंक है इसकी, ठीक है। ये देख लो लेबर का बच्चा है तमिलनाडु का, इससे तो बुरे हाल नहीं होंगे। उसका फादर कह रहा है कि जैसे जैसे करके मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था और इसको जैसे स्मार्टफोन दिलाया तैयारी कर सके घर पे बैठ के, इसको दिक्कत ना है जैसे जैसे करके, बट बच्चे की मेहनत देखिए, बच्चे की मेहनत देखिए, आज वो कहाँ पहुंच गया, आज वो कहाँ पहुंच गया। इससे होगा क्या सर, सर ये सब करने से होगा क्या, दिखाता हूँ आपको इस सबसे होगा क्या, ये देखिए ये दिखाता हूँ आपको, ये भी देखो क्या है ये भी लेबर का बच्चे ने देखिए जेई एडवांस का पेपर निकाला पहले बारे में, ये देखिए होगा क्या, जो ये बच्चे कहते हैं ना कि सर इन सबसे होगा क्या, हम तो ये कर लेंगे हम तो वो कर लेंगे, इनको ये देखिए क्या कह रहा है, अभी अभी का लेटेस्ट न्यूज है, क्या लिखा हुआ है, करोड़पति स्टूडेंट्स 25 फ्रॉम आईआईटी मद्रास 5 फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी गेट्स रेट्स 1 करोड़ प्लस पैकेज, देख रहे हो ये होगा। वो लेबर का बच्चा जिसका जिसका पापा सवेरे सवेरे उठ के लेबरिंग कर लेबर करने जाता था, आज वो आज अगर उसका बेटा एंटर होगा आईआईटी में, तो अगर वो इन लोगों में आ गया तो सोच के देखिए क्या वो पूरा गरीबी का चक्कर भी पूरा का पूरा गायब कर देगा। और यही बात इसने गायब बोला है अपने इंटरव्यू में कि मैं पहले पहले अपने घर में से गरीबी का चक्कर व्यू को मिटाना चाहता हूँ, जिस गरीबी ने हमारे घर को घेर रखा है, क्या होती है गरीबी जानिए इन लोगों से क्या होती है, पैसे पैसे वैसे करके मैनेज करता है, तो ये आज अकेला बंदा पूरी फैमिली को लेकर आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ से देखिए ये होता है आईआईटी जाके,
ये होता है। अगर आपको अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली है ना, तो या तो आप घर जाके सच बता दीजिए कि हमारे बस की नहीं है, या आपको मेहनत करना नहीं पसंद है, सब कुछ होते हुए भी, बड़े बड़े स्मार्टफोन होते हुए, बड़े बड़े फोन होते हुए भी आपसे अगर मेहनत नहीं हो रही है ना, तो समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे जिंदगी में। क्योंकि तो हमेशा बोला जाता है जेई का पेपर आपका निकले चाहे ना निकले, लेकिन ये जो जेई की पूरी ड्यूरेशन है, पूरी की पूरी जर्नी है, ये आपको मेहनत करना जरूर सिखा देगी। और जो लाइफ में मेहनत करना सीख जाता है, उसे जिंदगी में कभी भी कोई हरा नहीं सकता, उसे जिंदगी में कभी भी कोई हरा नहीं सकता। आज ये बंदे मेहनत करने सीख गए हैं, ये सारे बंदे मेहनत करना सीख गए। ये लेबर का लड़का देखिए, ये बंदा देखिए, ये मेहनत करना सीख गया, ठीक है। और हमेशा ये बात एक याद रखिएगा, जो लोग शिकायतें बार बार करते हैं वो हारते हैं, ठीक है। जो हारते हैं वो शिकायतें बार बार करते हैं, और जो जीतते हैं वो कोशिशें बार बार करते हैं, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको नोटिस कर रहा हूं कि भाई अभी भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, अभी भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो उठिए, जेई की डेट पास आ गई है, लग जाइए शुरू, जल्दी से सारा कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, पढ़ना चाहे बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है, देख सकते हो आप ये सब एग्जांपल्स आपके सामने। ना होते हुए भी उसने अपने लिए रास्ता ढूंढ लिया, अगर मंजिल को दूर से देख पा रहे हो ना, तो अपने आप रास्ते बनते जाते हैं, लेकिन आपकी मंजिल भी धुंधली दिख रही है आपको, तो बाय के आपको रास्ते उसके दिखेंगे, ठीक है। तो एक बार अपना नहीं तो अपने माँ बाप के लिए एक बार उनके साथ बैठ के बात करिए डेली, क्या उनको आपके साथ उम्मीदें हैं, देखिए क्या है उम्मीदें, शायद आपको मोटिवेशन मिले कि आप और अपनी मेहनत कर सके। ये सब मेरे को आपके लिए बताना था, शायद आप अभी से अपने ट्रैक पर आ जाए, क्योंकि जेई की डेट सब दूर नहीं है, जल्दी से स्टार्टिंग में लग जाइए, जल्दी से यहाँ पर भी पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक क्रैश कोर्स में पूरा का पूरा जेई मैथमेटिक्स का लेकर आऊंगा पूरे एक डेढ़ मंथ के लिए, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब तभी मिलते, तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।